हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस और जो बाकी इधर न्यूज है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं, जिसके बारे में यूपीएससी हमें पूछ सकती है। कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास नहीं है, बट हम इसके फीचर्स वगैरह हमें पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सबसे पहली बात यह है कि इसे बनाया कब गया था। तो आजादी से पहले इस बॉडी को बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकती है कि इसे आजादी से पहले वगैरह बनाया गया था, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाया गया था। काम क्या था इसका? इसका बेसिकली काम ये था कि जो भी आर्किटेक्चर, जो भी आप बोल सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट होगी, इसके साथ जो कल्चरल हेरिटेज साइट होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्मारक हो गए, या फिर कोई नेशनल इंपोर्टेंस की और बिल्डिंग वगैरह है, उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये बेसिक काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखने कि इसका काम क्या है। मतलब जो भी नेशनल लेवल के मॉन्यूमेंट वगैरह हो गए, जैसे ताजमहल की प्रोटेक्शन करनी है, लाल किले की प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे आ रही है कि किस तरीके से उसकी जो छवि है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी जो भी हेरिटेज है, जो भी साइट है वो बनी रहे, ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाए, उसका मेंटेनेंस वगैरह, ये सारे काम किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बनाया किसके द्वारा गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम थे, उनके द्वारा बेसिकली इसका निर्माण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही हम बात करें, इसके लिए बाद में अलग से गवर्नमेंट एक्ट भी लिखी थी, तो ये एक्ट वगैरह तो हम याद नहीं रखने हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंट्स जो एक्ट है 1958 वगैरह, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतने नहीं होते हैं। बट मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बेसिकली काम मिले, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम हो करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो एक्चुअली इसके, आप बोल सकते हो कि इसके मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कंट्रोल में एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस तरीके से यूपीएससी की बार कहीं काफी डायनेमिक क्वेश्चन पूछ लेती है। अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली ये ईयर की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे कि 1861 में, बस हमें ये आइडिया होना चाहिए कि यार 1800 में बनी हुई है, लगभग का टाइम क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको 61 वगैरह याद है तो यूपीएससी ही नहीं पूछने वाली कि 1861 में, 1862 में, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछती इस तरीके से। यूपीएससी बस ऐसे पूछ लेती है कि आज़ादी से पहले वगैरह का, रिसेंटली वगैरह, तो हमें ध्यान होना चाहिए वहाँ पे कि भाई ये बॉडी वगैरह कब बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, इसके भी डायरेक्टर जनरल ने उनको अपॉइंट किया गया है, टीके राघव साहब को। तो उसके बारे में, बट हमारे लिए कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, हमारे लिए बॉडी इंपॉर्टेंट जाती है कि है कहीं। देखो 1943 में इसे बनाया गया था एक तरीके से एक थिंक टैंक के तौर पर, क्यों वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही इसका काम क्या, किस तरीके की बॉडी है वो देख लेते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860, उसके तहत इसका बेसिकली निर्माण है वो किया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत निर्माण किया गया है। नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, इसके साथ नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, इसके साथ ही नॉन ऑफिशियल ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली एक तरीके से नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली हो गया, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल और नॉन पॉलिटिकल, मतलब कोई भी राजनीति का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं है, नॉन प्रॉफिट है और एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह करता है एक तरीके की, या जो भी अच्छे रिलेशंस वगैरह इंप्रूव करने हैं उसके लिए बेसिकली यहाँ पे नई फैसिलिटी वगैरह वो यहाँ पे प्रोवाइड है, वो करवाई जाती हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके इसके जो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं। देखो इसके एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, यहाँ पे इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके जो हेड होते हैं वो यहाँ पे इसके, आप बोल सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट है होते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। सीधी सीधी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। काम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, इसका काम ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको इम्प्रूव करना, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो भी मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी उसके द्वारा रिलेशन को इम्प्रूव करना, इसके साथ ही फॉरेन अफेयर या फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा वैल्यू दी जाए, और ज़्यादा रिश्ते प्रगाढ़ किए जाएँ, ये सब बेसिकली काम इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे नाम से मेरे को पता चल जाता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो मुद्दे हो रहे हैं उनको अफेयर, मतलब आपस में कम्युनिकेट करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ICWA वो हेल्पफुल है। तो अब हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया के बारे में है। हमने कल इसे एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि इंडिया है वो वर्ल्ड की 6th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो बन चुकी है अभी
फ्रांस को भी इंडिया ने बीट किया है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडिया 6 नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन गई है। ये वर्ल्ड बैंक के डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अभी बनी है। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन कौन सी है। देखो बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो सबसे नंबर वन पे बीवी यूएस है, सेकेंड नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, पांचवें नंबर पे ब्रिटेन है, छठे नंबर पे इंडिया हो गया और सातवें पे यहाँ पे हो गया फ्रांस। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, पहले इंडिया सातवें पे था, अब इंडिया छठे पे आ गया, फ्रांस को बीट कर दिया है। कितनी क्या ट्रिलियन की जीडीपी वगैरह, वो तो देखो कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूपीएससी में नहीं होता है, यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली है। बट एक चीज हमें यह भी ध्यान रखनी है कि बात करें एशिया की, तो एशिया में कौन से नंबर पे, ये तो आप इजिली देख के फाइंड आउट कर सकते हो। भाई एशिया में नंबर वन पे तो चाइना है, फिर जापान है और ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे इंडिया है। तो इस तरीके से भी यूपीएससी पूछ सकती है। चलो आप एक चीज ये बताइए कि कैस्पियन सी है, उसके कौन कौन सी कंट्री की बॉर्डर है वो टच करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ आज आपको अरल जो सी है, अरल सी, इसकी लोकेशन भी बतानी है कि अरल सी की लोकेशन है कहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें इसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है आईपीसी सेक्शन 497 के बारे में, जो कि एडल्ट्री को एक्सप्लेन है वो करता है। कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं, इसके साथ ही हम आईपीसी का सेक्शन 497 है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि भाई सेक्शन 497 है ना, वो आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है वो कर रहा है, इसीलिए प्लीज इसको हटा दिया जाए, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि इसको सस्पेंड यहाँ से कर देना चाहिए। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसको एक तरीके से अभी खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे खत्म कर दिया तो जो शादी की जो होती है, शादी के जो रिलेशन होते हैं वो उनमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। तो पूरा हम इश्यू जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, है क्या पूरा आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 497 एडल्ट्री वाले की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है इसका कि ये मान लो कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ए है वो मेल है, बी है वो यहाँ पे फीमेल है। अगर ये मान लो कि ए और बी की दोनों की शादी हुई है और फिर बी है वो शादी के बाद ए की बिना अनुमति के किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो उस कंडीशन में जो सी है ना उसको सजा हो सकती है। यह है आईपीसी की धारा 497 जिसे एडल्ट्री बोलते हैं। इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि अगर ए बी है, जो बी वाइफ होगी मतलब ए की, अगर उसने हस्बैंड की अनुमति ले ली है, ए की अनुमति लेने के बाद अगर सी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसको सजा नहीं हो सकती। अब देखो आप देख सकते हो कि ये काफी पुराना लॉ है और आज के टाइम पे कहीं भी रिलेवेंट नहीं बैठता है, क्योंकि आज की हमारी सोसाइटी और आज की हमारी जो बोल सकते हो कि कल्चर सब कुछ चेंज हो गया है, उसके मुताबिक हमें इन चीजों को छोड़ना होगा। काफी अंग्रेजों के टाइम का लगभग 200 साल पुराना लॉ है, तो इससे हम आगे कंटिन्यू नहीं रह सकते। तो इस चीज को लेकर इसका बार बार विरोध है वो यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें इश्यू क्या गया, एक तो देखो ये आ गया, इससे एक चीज हमें सामने साफ साफ ये दिख रही है कि भाई जो वाइफ होती है फीमेल है वो कोई हस्बैंड की प्रॉपर्टी थोड़ी है, कि जब ए या हस्बैंड जब अनुमति देगा तभी बी है वो कहीं जब कुछ भी करे। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर बी जो फीमेल है अगर वो सी के साथ रिलेशन बना रही है, तो भाई बी को सजा क्यों नहीं हो रही, सी को ही सजा क्यों हो रही है, सी एडल्ट है या सी मेल है यहाँ पे, तो सी को सजा क्यों हो रही है, बी को सजा क्यों नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हमारी सोसाइटी में। इसी चीज को लेके आईपीसी की सेक्शन 497 है, इसमें संशोधन करने, इसी के साथ इसको हटाने की बात है वो की जा रही है कि इस तरीके के प्रावधान नहीं होने चाहिए। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर शादी के बाद कोई भी महिला है अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो वो एक्चुअली क्राइम माना जाता है और जो थर्ड पर्सन होता है उसको सजा हो सकती है। वाइफ को कोई सजा नहीं होने वाली यहाँ पे, जो थर्ड पर्सन होगा उसको रेप के केस में अभी सजा है वो हो सकती है। यह है एडल्ट्री का। इसके साथ इसमें एक प्रावधान ही है, अगर वाइफ हस्बैंड की अनुमति के बाद कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाती है थर्ड पर्सन के साथ, तो उसकी सजा नहीं होगी सी को। तो भाई ऐसा तो कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता कि बी है वो ए की प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, वाइफ किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है यहाँ पे, ऑब्वियसली वो भी एक इंडिविजुअल है, तो उसी को भी हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत पावर मिलती है कि भाई वो अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जिए, तो ऐसा लॉ होना ही नहीं चाहिए। इस चीज को लेकर इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया एडल्ट्री लॉ यहाँ पे क्या है। मतलब एक्स्ट्रा जो मेटरनल सेक्सुअल टाइज है वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में मेन के लिए क्रिमिनल या आप बोल सकते हो पनिशेबल घोषित है, वो किया गया। अगर फीमेल करती है तो उसके लिए कुछ नहीं है, अगर मेल शादी के बाद कोई भी सेक्सुअल से अफेयर चलाता है तो उसको सजा हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक तो आर्टिकल है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे वायलेशन होता है, आर्टिकल 14, 15 और 21। चलो आप ये बताइए कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 के बारे में कंप्लीट आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है हमारी मलिमत कमेटी।
मलिमत कमेटी क्या है उसे हम देखते हैं। देखो मलिमत कमेटी है वो क्रिमिनल जस्टिस को लेके आई थी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा इसमें रिफॉर्म किया जाए, काफी पुराना है, आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, तो उन चीजों को चेंज करने के लिए मलिमत कमेटी आई थी। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि मलिमत कमेटी यहाँ पे क्यों आई है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि किससे रिलेटेड है, तो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है मेडिपिक्स टेक्निक के बारे में, कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि न्यूजीलैंड के साइंटिस्टों ने 3D कलर जो एक्सरे है वो क्रिएट किया है, मतलब 3D जो एक्सरे है वो बनाया है वो भी कलर फॉर्म में, ये भी नया कंटेक्स्ट है। वो बनाया किसकी हेल्प से, वो बनाया है मेडिपिक्स टेक्निक के द्वारा। तो ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि मेडिपिक्स टेक्निक है क्या, पहली बात तो ये। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार विश्व में न्यूजीलैंड है उन्होंने 3D में कलर एक्सरे है वो क्रिएट किया है। अब एक्सरे तो आप जानते हो तो उसको कलर फॉर्म में उन्होंने क्रिएट है वो किया है। फायदे क्या होंगे, फायदे बेसिकली इसके ये होने वाले हैं कि जो भी रिसर्च वगैरह डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं वहाँ पे जो भी बीमारी वगैरह का पता करना होता है वो इजीली किया जा सकेगा, और भी रिसर्च वगैरह बढ़ेगी, इसके साथ काफी बेनिफिट हमें यहाँ पे होने वाले हैं। अब बातें यहाँ पे आती थी कि मेडिपिक्स जो टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप है वो की गई है। मेडिपिक्स टेक्निक है वो वर्ल्ड की जो एक एजेंसी आप बोल सकते हो कि फिजिकल लैब है जिसका नाम है सन CERN के द्वारा, तो एक CERN के द्वारा डेवलप है वो की गई है। अब है क्या CERN है, वो है एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में। बस इसके अलावा ज्यादा कुछ काम का नहीं है हमारे लिए यहाँ पे, एक तो 3D एक्सरे का पता होना चाहिए कि कहाँ क्रिएट किया गया है, जिन न्यूजीलैंड में इसे बनाया गया है ये हमें ध्यान रखना है, कौन सी टेक्निक है इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली मेडिपिक्स टेक्निक रिलेटेड थी, तो हमें ध्यान रखना है कि 3D कलर एक्सरे से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है नीलगिरी तहर के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि नीलगिरी तहर है, इसका अभी जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से इसका जो हैबिटेट है वो 60% लॉस हो गया है, ये इसका अभी कंटेक्स्ट है। तो हम नीलगिरी तहर के बारे में अभी जहाँ पे बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं। देखो नीलगिरी तहर है वो एक्चुअली जो गोट या बकरी होती है उसी की तरह की एक स्पेसी है, और यह एक्चुअली बता दूं तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि नीलगिरी तहर है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। इसके साथ ही है इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके तहत शेड्यूल फर्स्ट में प्रोटेक्शन है वो दी गई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसे शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। चलो आप यहाँ पे एक चीज ये बताइए कि जो NGT है उसके दायरे में आता है नहीं आता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको बताना है, मतलब NGT की जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें आता है या नहीं आता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है, तो IUCN की है इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इनकी संख्या लगभग देखा जाए अभी तक तो लगभग 2500 के आसपास इनकी संख्या बची है, तो संख्या वगैरह तो हमें याद नहीं करनी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी तहर है वो अपना हैबिटेट लगातार लॉस करती जा रही है। पाई कहाँ जाती है वो भी हम देखने वाले हैं, ये पाई जाती है बेसिकली नीलगिरी हिल में, इसके साथ जो वेस्टर्न घाट का साउथ वाला हिस्सा है बेसिकली तमिलनाडु और केरला वाले में उस हिस्से में बेसिकली है पाई जाती है। अब देखो UPSC एक चीज यहाँ पे ये पूछ सकती है कि वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट में तो कंप्लीट आ गया, या फिर बोलते कि वेस्टर्न घाट के तो ओनली साउथ और साउथ वाला हिस्सा है उस हिस्से में, हाँ तो बिल्कुल ये यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इराविकुलम नेशनल पार्क और जो अन्नामलाई ग्रास हिल है उन वाले एरिया में बेसिकली है पाई जाती है, और वहीं पे आपको बता दूं कि इराविकुलम नेशनल पार्क है इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक रिवर बहती है इससे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो हमने ये सारी चीजें पहले डिस्कस की हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं आपको कुछ पता है तो फिर भी हम आगे इनको एक बार वापस डिस्कस है, वो आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तभी नया इंडेक्स है वो IIP का नया डाटा है वो रिलीज किया गया है। तो देखो इसमें दो तीन चीजें क्या है वो देखते हैं। अभी कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि 7 महीने का अगर हम जो स्कोर देखें पिछले का जनवरी से लेके अभी तक का, तो उसमें ये चीज सामने आई है कि अभी जो IIP का डाटा है वो सबसे कम लेवल पे है, मतलब 7 महीने में सबसे नीचे लेवल पे IIP की ग्रोथ रेट है वो 3.2 इस बार दर्ज है वो है की गई है। अब IIP इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन का डाटा है वो रिलीज कौन करता है और क्या ये डाटा है वो हम देखते हैं। देखो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है ये बेसिकली ये जारी किया जाता है CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको पब्लिश है वो किया जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो ये हमें यहाँ पे बेसिक एक चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं IIP की कि IIP है क्या। देखो IIP का मतलब यह है कि हमारे देश में जो कुछ कोर मैन इंडस्ट्री हो जाती है कि भाई उनके साथ हमारी इकोनॉमी काफी अहम हो जाती है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, इस तरीके की जो मेन मेन इंडस्ट्री हैं उन इंडस्ट्रियों का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, उनके लिए एक इंडेक्स तैयार किया जाता है हर महीने की महीने कि इस बार इनकी ग्रोथ रेट ये रही है, अगले महीने ये रह रही है, हर महीने की उनका डाटा तैयार किया जाता है, तो उसको उस इंडेक्स को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP का डाटा।
इसमें बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री आती हैं जिसके बारे में काफी बार डिस्कस भी करते हैं, ये में काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, मतलब इंडिया की जो मेन इकोनॉमी इन्हीं पे डिपेंड है वो करती है, वो इंडस्ट्रीज में बेसिकली काउंटर होती है। इसमें सबसे लोअर लेवल पे कौन सी रहती है इस पे बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सी का है उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है। तो वो देखो, क्योंकि आपको पता है मंथली डाटा चेंज होता रहता है, तो जब भी एग्जाम होती है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें डाटा देख के एग्जाम में जाना होता है कि भाई देखो, जैसे रेपो रेट आपको पता है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो ऐसा तो है नहीं कि आज हम रेपो रेट याद कर लेंगे तो भी 2019 के एग्जाम में उसी टाइम वो डाटा यूज करना है, वो तो टाइम टू टाइम जो वेरी करता रहता है, तो मैं लेटेस्ट अपडेट को यूज है वो करना होता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।